नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिविंग विद नेचर में। आज मैं आपके साथ जो मैंने गार्डन में अपने काम किए हैं रूटीन के, वो शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे अलग अलग टाइप के खाद सॉरी दोस्तों बना रही हूँ। ये मैंने अपने गार्डन में से पत्तियाँ इकट्ठी की हैं, इनका मैं खाद कैसे तैयार करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने पहले भी पत्तियों का खाद कैसे बनाया जाता है आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया है वो खाद। और ये देखो मेरे गार्डन की मिट्टी, इसमें ये जो केंचुए की ये निशानी होती है, ये गोल गोल जो मिट्टी करके वो खा के निकालते हैं ना, इससे पहचान होती है कि इस मिट्टी में केंचुए हैं। और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है मेरे गार्डन की। तो अभी मैं पत्ते इकट्ठे कर रही हूँ और फिर मैं छत पे जाके आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं इन पत्तों को स्टोर करके रखती हूँ, और जो पहले खाद मैंने पत्तों की बनाई है वो किस कंडीशन में है, अभी वो कैसी है। ये देखो, ये मैंने 2 महीने हो गए इसको, ये अब इसमें फंगस लगनी शुरू हो गई है। इसको मैं बीच बीच में गीला करती रहती हूँ। आज भी मैंने इसको खोला है, इसको थोड़ा सा चला के मिक्स करके ऊपर नीचे किया है और इसमें फिर पानी डाला है ताकि इसका अपना रूटीन वर्क चलता रहे। और इसको हम मिक्स करते रहेंगे पत्तों को ऊपर नीचे करने से, इनका जो डिकम्पोज का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है। और पानी से तो गीला करना ही है इसको। तो एक तो ये खाद हो गई, और इसके लिए हमें ज़्यादा किसी ये नहीं कि हमारे पास ये डस्टबिन नहीं है या हमारे पास मिट्टी के मटके नहीं हैं। आप सिंपल इन कट्टों को यूज करके आप अपने पत्तों की खाद तैयार कर सकते हो। और जो मैंने नए पत्ते इकट्ठे किए हैं इनकी भी मैं अलग से एक दूसरे बोरे में रख के खाद बनाऊंगी। तो इसको पहले मैंने गीला कर लिया। मेरे काम में मेरे बच्चे मेरा सहयोग पूरा करते हैं, साथ देते हैं। तो अभी हम इसको बांध के फिर रख देते हैं। और एक बात और दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रही थी, ये थी बात 15 तारीख की शाम की, और उसके थोड़े देर बाद ही घनघोर बादल आए और बरसात हुई। सारी रात 15 तारीख की रात को बरसात हुई, और सुबह की भी फिर मैंने क्लिप जो इसमें वीडियो में जोड़ी है आप देखना, बरसात के बाद एकदम से सारे कितने सुंदर हो गए हैं हमारे पेड़ पौधे। और अब ये जो बोरा है जो मैंने दूसरे पत्ते इकट्ठे किए हैं उसमें जो मेरा किचन का वेस्ट बचता है वो मैं इसमें डाल के एक नया खाद बना रही हूँ। देखिए आप, इस मटके में मैंने कैसे अपने सब किचन का जो वेस्ट है उसकी तह लगाई हुई है। इससे नीचे बहुत पुराना जो रोज़ का रोजाना का बचता है वो मैं डालती रहती हूँ। तो नीचे वाला जो है वो तो तैयार हो चुका है, उसके ऊपर जो मैंने आज जो हमारे किचन वेस्ट बचा है, जो सब्जियाँ जो गल जाती हैं जो यूज की नहीं है, वो मैं डालती रहती हूँ। नीचे का तैयार हो रहा है और ऊपर मैं इसके थोड़ी एक मिट्टी सूखी जो लेयर है वो लगाती हूँ मिट्टी की, ताकि ऊपर मक्खियाँ वगैरह ना आए, क्योंकि मक्खियाँ आती हैं गीले जो किचन का जो वेस्ट बचता है उसके ऊपर। अगर हम इसके ऊपर सूखी मिट्टी के या सूखे पत्तों की एक लेयर लगा देंगे तो एक तो ये इसका जो रस निकलता है गीला वो सोख लेगी, और ऊपर से मक्खियाँ और कीट पतंगे इसके ऊपर नहीं आएंगे और कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये हमारा एक सूखा किचन कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगा। और अगर इसका एक ध्यान रखना है कि अगर ये ज़्यादा सूख जाए तो हल्का हल्का इस पर 2-4 दिन के बाद पानी डालते रहें, ताकि इसके अंदर इसका डीकम्पोस्ट का जो प्रोसेस है वो चलता रहे। अब ये दूसरा कट्टा है जिसमें मैंने आज सूखे पत्ते गार्डन से इकट्ठे किए हैं। इसमें ये जो सूखे भुट्टे के जो हम खाते हैं मक्के के उसके ऊपर के छिलके, और जो हमारा दूसरा वेस्ट है आम वगैरह डेली का जो रूटीन में निकलता है किचन से, वो सब हम
अगर हमारे पास कोई बड़ा डिब्बा नहीं है तो ये कट्टे भी हम यूज कर सकते हैं। इनको सब बंद करके ऊपर से टाइटली हम इसको रख सकते हैं, और जैसे जैसे रोज़ का निकलता रहे वो इस कट्टे में डालती रहूँगी, और फिर अंदर ही अंदर इनका प्रोसेस डिकम्पोज का चलता रहेगा और मेरे पास ढेर सारा खाद इकट्ठा हो जाएगा जो कि फिर हम आने वाले समय में यूज़ करते रहेंगे। और इसी तरह है हमारे पास गोबर का खाद, किचन कंपोस्ट और ये सब तैयार हो जाएगा, जिससे कि हम अपनी बागवानी में फ्री में ही घर में खाद बना सकते हैं, हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी, ये देखो हमारे घिया और तोरी की बेल, ये जो मैंने मिट्टी नीचे इसमें लेयर बनाई थी, इसमें पहले मिट्टी, फिर गोबर की खाद, फिर उसके ऊपर सूखे पत्ते, फिर उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की लगाई थी, और ये मैंने मिट्टी लगाई थी ताकि ये अपने आप रिसाइकल होकर फर्टाइल सॉइल बन जाए, पर मैंने उसमें दो तीन बीज घिया के डाल दिए थे। और ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, और अभी मैंने इसमें पानी डाल रही थी लेकिन एक घंटे के बाद बड़ी ज़ोर से बरसात हुई और सुबह तक वो बरसात हमारे यहाँ पे लगी रही और इसकी ग्रोथ सुबह बहुत अच्छी हुई। ये देखो ये सुबह की क्लिप है, रात को जब बरसात हुई तब तो हम सो रहे थे लेकिन सुबह फिर बरसात हुई 8-9 बजे के आसपास और हमारे जो खेत सूखे थे सब में पानी आ गया, क्योंकि बरसात से पौधों में जो जान आती है वो हम चाहे कितना भी पानी दे दें वो बात नहीं होती, बरसात से पौधे एकदम से खिल जाते हैं। तो वो फिर मैंने क्या किया, इन सब पौधों को फिर छाया से उठा के एक तरफ खुले में लगाया ताकि इनको बरसात का पानी मिलता रहे। और बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप भी अपने यहाँ पे अगर बरसात की पहली फुहार आ पड़ी है तो अपने गार्डन में ये काम कर सकते हैं, मिट्टी को तैयार करके नए बीज रोपने की तैयारी कर लें, क्योंकि अब बरसात आ गई है तो हम अपने जो हमने ग्रो बैग तैयार करके रखे हैं उनमें हम भिंडी, बैंगन और जो गर्मियों की सब्जियां हैं जैसे कि घिया, तोरी, बेल वर्गीय सब्जियां, उनको हम लगा सकते हैं। तो मैं तो अब तैयारी करूँगी लगाने की। हम अगर बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो बीज भी रोपित कर सकते हैं, और अगर हमें पौध मिल जाए तैयार मार्केट से तो हम वो भी अब लगा सकते हैं, क्योंकि अब तो बरसात लगभग आना शुरू हो गई है। मॉनसून तो अभी नहीं आया पर हम कोशिश करेंगे कि हम बीज तो रोपित कर ही दें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे, और अपने पेड़ पौधों के साथ इंजॉय करते रहें।